जी दोपहर तो के एक बज रहे हैं और आज मैं सच में सो गई दिन में आज मुझे नींद आ ही गई आखिरकार मेरे को इतनी थकी हुई थी ना मैं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं डेढ़ घंटा सो गई मैं अब उठ के रसोई में जा रही थी मेरे को लगा चलो मैं विहान के लिए हलवा बनाऊंगी और देखो मेरी मम्मा हलवा ना ये आटे का है देखो आप तो ये आटे का हलवा ना बना के रख के गए हैं क्योंकि सूजी ख़त्म हो रखी थी तो मैं अब विहान को जगा रही हूँ क्योंकि ना ये ना इसको आज नहाया था तो ये नहला नहाते ही तुरंत तुरंत सो गया था और कई देर हो गई इसको क्योंकि सुबह भी इसने ज़्यादा बस फ्रूट्स ही खाए थे तो अब इसको जगा के खिलाना पड़ेगा मुझे थोड़ा आराम से जगा देती हूँ इसको काफ़ी देर हो गई है सोते हुए आज तो अच्छे से सो गया अब तो अब थोड़ा जगा देती हूँ टाइम से बाबा उठ जा बाबू मेरा बाबू उठेगा ना हलवा खाएगा फिर आ जा बच्चे आ जा आ जा बेटा उठ जा उठो 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 होगी नीनी कई घंटे हो गए सोते हुए ओ ये देखो उठेगा उठेगा बाबा मम्मा भी उठ गई बेटा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा मेरा राजा बेटा उठ जा उठ, जा, उठ जाना बच्चे देख तेरे लिए हलवा लाई हूँ देख थोड़ा सा चक्के देख फिर खाएगा ना भूखा है तो मुझे पता है देख ना ना नहीं खाना खा ले बच्चे थोड़ा सा देख जीप पे लगा के देख मम्मा भी उठ गई बेटा उठ जा ना बेटा विहान उठ जा पूरी होगी नहीं नहीं होगी आज बेटा उठ जाओ जब ये सो रहा होता है ना जब विहान की आंखें बंद होती है और ये जागने की कोशिश कर रहा होता है विहान मतलब मेरे को ना कार्बन कॉपी लगता है सनी की क्योंकि मैं सनी को घूरती थी जब सनी सो रहे होते थे और मतलब ऐसा ही टोटल नैन नक्शा था सनी का भी टोटल विहान बेटा उठ जो कैसे उठाते हैं छोटे बच्चे को मेरे को तो पता नहीं क्योंकि मैंने कभी उठाया ही नहीं है मैं हमेशा ना विहान को सोने देती हूँ जितना वो सोता है लेकिन आज जरूरी है क्योंकि काफ़ी देख देखो सुबह उठ गया था ये साढ़े सात बजे बस अनार खाया था इसने आधा अनार खाया था उसके बाद थोड़ी सी ऐसी नमकीन भुजिया रोटी खा नहीं रहा था क्योंकि सुबह सुबह खाता नहीं और इस टाइम ये सोता नहीं इस टाइम ये खाना खाता है तो मुझे जगाना तो होगा बेटा खा लो ना बच्चे देख 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 कोई हलवा नहीं खा रहा ये बेटा खा ले खा ले बेटा उठ जा उठ जा उठ जा देख बेटा मम्मा उठा रही है चलें घूमने चले चल आजा वियान कौन आया देख बेटा कौन आया गुड्डू आगी बेटा गुड्डू आगी गुड्डू उइ खा ले उठ ले बच्चे उठ लेना बेटा वियान उठ जा वियान गुड्डू आगी वियान गु � एक तरीका है मैं भी हान को उठा सकती हूँ इसको एक बार मैं यहां रखती हूँ अभी सफाई कुछ नहीं करी आज थोड़ी सी ऐसी ढीली ढाली सी तबियत हो रखी थी मेरी पर अब मैं ठीक लग रही हूँ मैं उठ के फिर अब काम में भी लग जाऊंगी बाय मम्मा जा रही है अब उठेगा रुको बाय मम्मा गई को नहीं लेके जाती मैं उठेगा उठेगा टेंशन ना लो उठेगा उठेगा आ रही है ना आवाज उठेगा उठेगा क्या हो गया क्या हो गया बेटा मम्मा नहीं जाएगी अपने बाबू को छोड़ के टेंशन ना लो पर उठ जाओ आप उठ ही नहीं रहे थे मैं क्या करती आपको उठाना भी तो जरूरी था ना इसको लगा कि मम्मी मेरे को छोड़ के जा रही है मैं इसको उठा रही थी उठ उठ जाओ घूम के आएंगे चल 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 बेटा उठ जाओ आ, मेरा बच्चा कॉल आ रही है हाई कर दो वीडियो कॉल आ गई चलो जी उठ तो गया अब मैं इसको हलवा खिलाती हूँ अब हटते को हंसते हुए उठता है भैया देखो जी उठ गया मेरा बालक विहान ए बाबू उठ गया उठ गया ना देख तेरे लिए क्या लाई हूँ दे खा ले खा ले अच्छा लग रहा है ना भूखा है खाएगा अभी तो चल बैठ जा बैठ के खिलाऊंगी उठ ले अब उठ ले उठले उठ ले, उठ ले, उठ ले। हाई मेरा भी बड़ा मन कर रहा है हलवा पता नहीं क्यों जब से मैं डाइटिंग कर रही हूँ ना मतलब मैं आपको बताना नहीं चाहती थी फिर मुझे लग पता है फिर कमेंट्स आने लग जाएंगे कि अच्छा आप डाइटिंग कर रहे हो आपने बताया भी नहीं मैंने एक जनवरी से मतलब मेरे ना पेट पे बात पचती नहीं है मेरे ना मन में था कि मैं बताऊँगी नहीं आप लोगों के साथ तो बिल्कुल शेयर नहीं करूंगी कि मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ डाइटिंग भी कर रही हूँ और एक तारीख से मैंने शुरू की है आज चार तारीख है तो देखो चार दिन हो गए मेरे को लगातार मतलब मैं तभी पता है मैं आज उठ नहीं पा रही थी मैं तभी तो आज मैं सो गई क्योंकि मैं थक गई थी इतनी ज्यादा मैं ना शाम को एक्सरसाइज करती हूँ डेली आधा घंटा करती हूँ आधा घंटा वैसे एक्सरसाइज भी करती हूं, बाकी टाइम घर के काम कर लेती हूँ वैसे और खाने पीने में मैंने चार अभी आगे खा तो देखो मैं हलवा सामने रखा है और मेरे को ना जैसे क्योंकि हम डाइटिंग करते हैं ना तो बड़ा घी अंदर से ना ऐसा हो रहा है कि मैं उठा के खा लूँ भूख लग रही है ऐसे पर मैं खाऊंगी नहीं मैं कुछ और हेल्दी ऑप्शन ही बनाऊंगी खुद के लिए तो ये अरे फिर से मत उठ सो जाइए बच्चे ले उठ जावे उठ के बैठ के खिलाऊंगी मैं तेरे को ऐसे नहीं खाते लेट के नहीं खाते ना बच्चे खाना ये क्या लगा तेरे निशान कैसे हो गया बच्चे तेरे क्या लग गया है खरोच सी अपना ही नाखून मार लिया होगा इसने ऐसे ही है पता है इसके ना कान जब ही पैदा हुआ था इसके कानों पे ना बाल थे और अब भी है देखो कानों पे वैसे बाल हैं इसकी आईब्रोज यहाँ से मिली हुई हैं पता नहीं क्यों है ऐसा मतलब इनके जो आ, मतलब सनी की तरफ की फैमिली के ना सबकी आईब्रोज ये मिली हुई थी सबकी जैसे मेरी नहीं है ये आईब्रोज इनकी जैसे सनी की मम्मी की आईब्रोज ये मिली हुई थी मतलब उनके पूरे फैमिली की ये चीज़ और इसकी भी है ऐसे ही है बन ये चीज कवर है और उनके सबके बाल थे माथे पे इसके भी हैं बच्चे बेटा ने थोड़ा सा खा ले मैंने सुबह से ना खाना भी नहीं बनाया मैंने एक रोटी खाई थी आज मम्मी ने साग बनाया हुआ था एक्चुअली आया था साग मैं बताना भूल गई थी आपको मिस्त्री भैया दे के गए थे साग अपने गांव का बना के बना हुआ बोलते हमारा खा के देखना बस छोंक नहीं लगा रखा था तो एक दो दिन से नहीं वह फ्रिज में ही रखा हुआ था तो आज सुबह बनाया था तो काफ़ी टेस्टी था हमने साग खाया मैंने भी एक डेढ़ रोटी खा ली थी फिर मेरे को नींद आ गई अरे बच्चे खाले खा ले यार बेटा मेरे को कमेंट्स आएंगे पता है मम्मी को कितनी डांट पड़ेगी कहेंगे लोग की लेटा के खाना खिला रही है बैठ जा ना खाएगा और पता है एक चीज़ अच्छी बात मैं आपको खुशखबरी भी बताने वाली थी कि ना मैंने ना पता है एक रूटीन बनाया है पता नहीं कब तक है मतलब लेकिन विहान को ना मैं डेली अब हलवा खिला रही हूँ और हलवे का इफेक्ट पड़ रहा है अच्छा खासा घी जा रहा है शरीर में विहान के क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो कोशिश यही रहती है क्योंकि और तो कुछ खाता नहीं है ये फ्रूट्स ही ज़्यादा खाता है तो हलवा खिला रही हूँ ना तो इससे विहान का ज़्यादा तो नहीं पर तीन ग्राम वज़न बढ़ा है बस ठीक है भगवान नज़र ना लगे मैं इसका वज़न ना पता है मेरा एम है कि मैं इस महीने ग्यारह किलो पे ले आऊ दस किलो पे पहुंच गया है। तो देखते so, कि हो जाएगा मिलेगी मेरी ना शादी होने वाली है अब टाइम तो फिक्स था नहीं शादी का मेरे को लगता था या तो छह महीने में शादी हो जाएगी या साल में हो जाएगी तो मैं होता नहीं लड़कियों का मन में मेरे को ये था यार मैं काम करती हूँ नहीं थी नहीं उस टाइम ना मेरी भाभी ने मुझे बोला था ना अपने अपने चेहरे चेहरे पे पे क्रीम्स लगाना छोड़ दे अपने चेहरे पे किसी भी तरीके की क्रीम मत लगा तो मैंने पूछा था क्यों तो बोलते कि ना अगर तेरे अपनी शादी से चार पांच महीने पहले चेहरे पे ना मतलब प्रोडक्ट्स लगाने छोड़ देने चाहिए स्किन को ना नेचुरली मतलब एक होता नहीं है कि अब हेल होने चाहिए अच्छे से हेल हो जाएगी तो मैंने छोड़ दिया उस टाइम और मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिले उस टाइम ना इतने अच्छे रिजल्ट मिले मेरे फेस पे मतलब मेरे को मैं देख मैं मेरे को ना फिर अपना फेस जैसे मैंने छह महीने हो गए साल हो गया इस तरीके से मेरे को क्रीम लगाने की आदत ही छूट गई और मेरे ना आदत सी हो गई मतलब बिना क्रीम के ही अपना चेहरा मुझे पसंद आने लग गया क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे आप क्रीम लगा रहे हो तो आपको ना आदत हो जाती है क्रीम जैसे सुबह उठती नहाने के बाद लगाने की तो आप जिस दिन नहीं लगाओगे ना आपको लगेगा यार आपका चेहरा अच्छा नहीं लग रहा डल लग रहा है लेकिन जब आप चीजें फेस पे लगानी छोड़ दोगे ना तो आपको ना आपका चेहरा ना बिना उस क्रीम के ही अच्छा लगने लग जाएगा मैं कभी नहीं लगाती हूँ ना भी नहीं लगाती हूँ अच्छा मैं तो यार मैंने अभी धोना है अभी मुझे वॉश करना है अपना चेहरा मुझे कुछ नहीं लगाना अपने चेहरे पे तो मेरे को अब मन में ये होता है अगर मेरे को सुंदर भी दिखना है ना तो मेरे को लगता है कि मेरे को ना नेचुरली सुंदर बन दिखाना है मतलब ऐसा लगे मेरी फेस ऐसा हो इस टाइम मैंने चेहरे पे कुछ नहीं भी लगा रखा देख लो अभी मैं इवन सो के उठी हूँ लिपस्टिक भी नहीं लगा रखी है कोई मेकअप नहीं है मेरे फेस पे मेरी आंखों में भी भी देख लो नथिंग एल्स बस बस ये रात का काजल थोड़ा सा लग रखा होगा कुछ भी नहीं है इवन का, देखो कानों में भी कुछ नहीं पहन रखा मैंने कोई मेकअप नहीं कुछ नहीं और आप देखो फेस ठीक लग रहा है इसका कारण यही है अगर मैं क्रीम में रोज मैं क्रीम वगैरह लगा के रखती ना चेहरे पे तो बता रही हूँ मैं मेरा फेस ना ले बेटा खाली उठ गया ना 嗯。<laughs> अब आप ये देखो छोटे बच्चों की स्किन कितनी प्यारी सी होती है ये देखो इसके गाल कितने सुंदर है अब मैं इसको भी मैं, मैंने ना इसके ना वो प्रोडक्ट्स खरीदे थे बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं और आज तक मैंने कुछ नहीं लगाया इसके चेहरे पे मैं क्रीम नहीं लगाई मेर, मेरे को देख मिली थी बेबी लोशंस होते हैं बेबी क्रीम होती है मेरी ऐसी की ऐसे रखी है मैं ही कभी कभी हाथों में पैरों में लगा लेती हूँ मैंने इसके कुछ नहीं लगाया आज तक केमिकल मेरे को लगता है कि क्यों खराब करना है बच्चे की मैं इवन मैं पाउडर भी लगाते हुए दस बार सोचती हूँ विहान के क्योंकि ना मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि पाउडर भी लगा लगाने में कुछ केमिकल ना चले जाए बच्चे के शरीर पे तो मैं इसको बिल्कुल नेचुरली रखती हूँ विहान को है ना बेटा बाल लंबे हो गए विहान के हाँ हाँ खा ले खा ले खा ले आपके कमेंट्स आ रहे थे ना चलो बात ही कर लेते हैं आज आपके कमेंट्स आ रहे थे ना आप कह रहे थे कि विहान बोलता नहीं है विहान बोलता तो अभी तो ये सो के उठा है बोल माँ 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 जी विहान बोलो माँ बोल दे बोलो माँ मां अभी तो मुंह में हलवा है इसके बोलो माँ बोलेगा बोलेगा बोलो माँ विहान बोलो माँ अभी सो के उठा अभी नहीं बोलेगा वैसे बोलता है ये बोलता है मामा पापा मम्मी ये शब्द तो बोल लेता है बोलो मम्मी मामा बोल हम <laughs> तो बिल्कुल भी नहीं बोलेगा हम तो हंसने जा रहा है शर्मा रहा है ये देखना कितना शर्माने वाला बच्चा है ये मेरा दिखा ले तू हलवाई खा